लो अब यहाँ से अपनी साइकिल। तो ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मैं अपने साइकिल से ही साइकिल का टायर लेके जा रहा हूँ। हवा भरने के बाद ना टोटली उसका हवा निकल जा रहा था। मैं बस यही बना हुआ है यहाँ पे देख सकते। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और ये वाला मैंने कल वाले ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया था, ये वाला पूरा खन गया था। अपना टंकी का सफाई वगैरह करवाना था, जो कि मिस्त्री कल आए भी थे और आज नहीं आए थे, बोले सुबह को 5 बजे आ जाना। मैं तो सुबह को गया था, आप लोगों को बता रहा था। आज सुबह ना आके उन्होंने बोला कि मैं 11 बजे आओ, मैं 11 बजे आऊंगा। देखते हैं, अभी फिलहाल तो 10:15 होने वाला है। देखते हैं 50 मिनट के बाद कि वो आते हैं कि नहीं आते हैं। इसी को बनवाना था, इसको बहुत ज्यादा गंदगी हो रखा था। मेरा तो पूरा यहाँ तक खाने का यहाँ पे मन नहीं करता था घर में, भाई साहब इसको देख के। तो मैंने सोचा इसको बनवा दिया जाए, पिछले ब्लॉग में मैंने बता रखा है। तो आज सुबह उठाऊँ तो पूरा गाड़ा वगैरह खन रखा हूँ और ईट भी बिछ गया है यहाँ पे, यहाँ तक कि मिस्त्री का सामान भी यहाँ पे रखा हुआ है। कुछ है बस, मिस्त्री को आना है, इसको बस सफाईया करना है। और अभी देखते हैं कि मिस्त्री आता है कि नहीं आता है। वो भाई साहब मेरा एकदम माथा खराब कर रखा है मिस्त्री भाई साहब। उसको 3-4 बार जा चुके हैं, तो पेट्रोल जल रहा है, उसके बाद आ भी नहीं रहा है, बोल रहा है सुबह को आओ शाम को आओ, एकदम माथा खराब कर रखा है। देखते हैं, अभी फिलहाल तो जाएंगे थोड़ी देर में लाने के लिए। लाना भी पड़ता है, ऐसा नहीं है कि आने वाले हो, लाना भी पड़ता है। बहुत तगड़ा वाला दूध, एकदम माथा खराब हो रखा है। पानी तक घर में नहीं है, जाना पड़ रहा है बड़े पापा के घर पानी लाने के लिए, यहाँ पानी भी बंद हो गया। तो हम लोग जी फाइनली अभी भी जस्ट मिस्त्री को मैं लेके आ रहा हूँ। भाई साहब मिस्त्री ने बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया, 11 बजे का टाइम देके 12 बजे फिलहाल कुछ 12 बजने वाले, तो 12 बजे पहुंचे हैं। और देखो ये हमारे स्पेशली मिस्त्री जी है, बहुत पहला वीडियो शूट किए थे इन्हीं के साथ, यहाँ साथ हो रहा था। गाइस इसको भी फर्स्ट करवाने वाले हैं, तो अभी मिस्त्री को थोड़ा भोजन वोजन कराते हैं, चलते हम लोग मसाला बनाते हैं। मसाला बना के ये करवाना स्टार्ट करते हैं। तो बस यही बना हुआ है यहाँ पे देख सकते हो गाइस, ये कुछ इस तरीके से बन गया है, जो कि बहुत ज्यादा चिकना दिख रहा है, पहले से की अपेक्षा बहुत तगड़ा दिख रहा है। ये देखो कड़ा था ना, इसमें घास जमता था भाई साहब, नहाने तक मजा नहीं आता था। ना घास जमेगा ना भूस जमेगा, यहाँ पे एकदम सबसे बेस्ट रहेगा। तो मम्मी है मेरे लिए रस घोर रही है, पापा खड़े हुए हैं। तो अभी अपनी साइकिल निकल चुकी है गाइस, इसी का पंचर है और हवा पता नहीं कैसे निकल जाए। तो यहाँ पे एक बड़े पापा है, उनके घर में हवा भरेंगे, हवा भरने के बाद दोनों लोग बैठेंगे, अगर चला जाएगा तो ठीक है, जाके वहाँ पे इसको बनवा लेंगे, देखते हैं क्या इसमें दिक्कत आता है। तो अभी हम दोनों भाई लोग निकल रहे हैं, अब बड़े पापा के घर देखते हैं, इसमें हवा आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो पैदल पैदल अपने को जाना पड़ेगा। गाइस इसका सबसे बड़ा दिक्कत का है, इसका बड़ा वाला छुचिया है, हवा भरने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। जो ट्रैक्टर वाला है ना, इसका छुचिया इसमें है। ये कैसे काहे को दे रखे हैं इस वाले में, मेरा तो समझ नहीं आता है। हवा भरने को होता है तो आना पड़ता है ट्रैक्टर वालों के पास, बड़ी दिक्कत है। हवा भरने के बाद ना टोटली उसका हवा निकल जा रहा था, मैं सोचा कैसे निकल जा रहा है, पता चला कि उसका टायर ना उसका 1/2 इंच प्लस फटा हुआ है, होल है, वो ट्यूबलेस टायर है, तो बहुत दिक्कत। अब देखते हैं उसका ट्यूब वगैरह मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो उसको चक्का उसका भी जा रहे हैं खोलने के लिए, खोल के और लेके जाते हैं, देखते हैं बन जाता है कि नहीं बन पाता है। फिर हो चुका है साइकिल का पूरा अच्छे से प्रिपेयरिंग, और साइकिल का वहाँ पे पहिया खुल चुका है, यहाँ पे साइकिल रखी हुई है, अब इसको हम लोग लेके जा रहे हैं बनवाने के लिए, देखे आखिर इसमें मेरे भाई सब क्या होना है। तो अभी साइकिल मंगवाए हैं अमन का, वो नई वाली साइकिल है, और ये मेरा रहा जो टायर ट्यूब रिंग वगैरह है, तबा के देख होगा तो भरना नहीं पड़ेगा ना। तो ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मैं अपने साइकिल से ही साइकिल का टायर लेके जा रहा हूँ पंचर बनवाने के लिए, कि क्या हुआ है मतलब यही है, यहाँ अपना टायर फट गया और छोटी वाली साइकिल से लेके जा रहा हूँ बनवाने के लिए, तो देखते हैं क्या होता है इसका, तो पता नहीं कुछ आइडिया, लेकिन टायर ये जो है ना बड़ा वाला ट्यूबलेस टायर है साइकिल का फट गया, बस बहुत दिक्कत है। पहले उतरो के बाद हमको उतरना है, लो अब यहाँ से अपनी साइकिल चेंज होते हुए, यानी मैं चला रहा था, अमन को लगा कि नहीं चलाने में मजा है, पकड़ने में ही सही है, मतलब पकड़ने में टायर वाले को दिक्कत है, मैंने तो पकड़ लिया, अब अमन ले जाएगा, देखते हैं इसका क्या होता है, इसको बोल रहा था कि मजा आएगा, फिलहाल मैंने टायर को पकड़ लिया, चलिए देखते हैं क्या होता है। जो है कि टायर है और राइट हैंड से अपना मैं वीडियो बना रहा हूँ, चलो हालू ला चलते हैं। तो गाइस अभी भी जस्ट पहुंचे हुए हैं पंचर वाले भैया के पास, और यहाँ पे पता चला है उसमें तो ट्यूब है, हमको पता था कि ट्यूबलेस है, तो उसको अभी खुलवा रहे, हमको नहीं पता था कि तीर वाले में ट्यूबलेस नहीं दिया करता है कंपनी, लेकिन मेरा माइंड बोला था कि उसमें ट्यूबलेस है। बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बड़ा नुकसान नहीं हुआ, एक छोटे से पैसे से भरपाई हो जाएगा इसका, बहुत ही खुशी हुआ भाई साहब, कम में खर्चा हो जाएगा इसका तो पंचर। ओ भाई साहब
तो बाइक तो हमारी बहुत पहले बन गई थी, कल का दिए थे, आज बन गई थी दोपहर में। फिलहाल इसको लेके आए हुए इसको ड्राइविंग टेस्ट करने के लिए कि आखिर चल कैसी रही है। इसका सर्विसिंग हुआ है और इंजन का पता नहीं क्या क्या इसका मतलब कुछ चेंज हुआ है मालूम नहीं, अपने को बता रहे हैं कि कुछ 1500 का काम हुआ है। हम कहे ठीक है थोड़ा चला के इसको देखते हैं कि आखिर भैया 1500 का काम हुआ है कि बस। तो बाइक तो उतना खास चल नहीं रही है, बस स्टार्ट हो गई है, बाकी वैसा कुछ फीलिंग नहीं है कि हाँ बनी हुई है, सेम वैसा ही है पहले जैसा कंडीशन। और यही अपनी बाइक थी जो कल दिए हुए थे। तो अभी जा रहे हैं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल लेने, पेट्रोल लेके फिर जाते हैं हिसाब करवाते हैं, पैसा भी उनको नहीं दिए, बोल रहे हैं पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेके आते हैं। तो अभी फिलहाल पहुंच चुके हैं, यहाँ सामने पेट्रोल पंप है। कितना ज़्यादा? बहुत ज़्यादा। अभी हमारे अमन भाई का बहुत तगड़ा वाला में दिमाग खराब हो रहा था। एक्चुअली बाइक तो बन गई है, मैंने जैसे आपको बताया ठीक ठाक थी, बट उसका जो सीट का कवर का वो लॉक होता है वो लॉक लगा ही नहीं था। तो मैंने सोचा भैया लॉक लगाइए, कम से कम लॉक नहीं लगेगा तो इसका सीट इधर से उधर होगा तो हमको प्रॉब्लम होगा। तो वही फिलहाल हो गए हैं सीट का लॉक लाने के लिए सीधा मार्केट के तरफ, और इधर गाड़ी वगैरह का एकदम भीड़ नहीं है, बस एक आध दो गाड़ी आई है बनने के लिए। लेकिन अमन बहुत परेशान है घर जाने के लिए, वो पीछे से टायर भी लेना था, तो अपना बाइक तो बन गया है। जैसे आता है बनता है ना उसके बाद चलते एकदम फुल पावर में एकदम मस्त। तो फाइनली गाइस अपना सब कुछ काम हो गया था, अभी आए थे अपना बस कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए। फिलहाल ये है वो सीसी वाला है कोल्ड ड्रिंक है ना, तो दोनों लोग पीते हैं और यहाँ से सीधा निकलते हैं। इसको लेने के बाद फुल पावर वाली एनर्जी आ जाएगी। अमन पूछ रहा था किससे पिया जाता है, मुँह से पिया जाए नाक से पिया जाता है, मैंने पूछा नाक से पिया जाता है तो नाक से मैं पी लेता हूँ, ये तो मुँह से पी रहा है तो नाक से पी के चलते हैं फुल पावर में 100 की स्पीड। तो हेलो दोस्तों, फिलहाल आ चुके हैं अपने साइकिल के पास। अपने साइकिल का जो टायर वगैरह लगवाना था वो टायर तो लग चुका है, और मेरी भांजी कैसा अच्छा लग रहा है बन गया तो, अब कल चलाने को मिलेगा। साइकिल चला लेती हो? हाँ। इधर देख के बोलो, इधर इधर थोड़ा दिखा। साइकिल चला लेती हो ना? ये वाला साइकिल तुमको कल चलाने को देंगे, कैसा ये सत्या? इधर सुनो। तो गाइस अभी ये मेरा साइकिल बन गया है, और हमारे यहाँ लाइट नहीं है, ये तो इन्वर्टर का लाइट है। तो खैर आज की इस ब्लॉग में थोड़ा शोर आ गया है लास्ट वाले वीडियोज में, तो आज की इस ब्लॉग वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए ना तो लाइक करके एंड चैनल को भगीना के लिए सब्सक्राइब कर लेगी, आपको भी अगला ब्लॉग में भगीना को दिखा सके। तो चलिए मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।